डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसे ही डॉक्टर हैं जो कि अब सिक्का वाले के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि डॉक्टर ने 50 से अधिक बच्चों के गले में फंसे सिक्के बिना ऑपरेशन के निकाले हैं। वहीं इस साल उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित भी किया। छतरपुर के जिला अस्पताल के एक डॉक्टर का नाम मनोज चौधरी है, लेकिन अब वे सिक्का वाले डॉक्टर के नाम से पहचाने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर ने 50 से ज्यादा बच्चों के गले में फंसे सिक्के बिना किसी ऑपरेशन के निकाल दिए। ऐसा एक और मामला अनगौर गांव से आया, जहां 11 साल के एक बच्चे ने खेल खेल में सिक्का निगल लिया जो उसके गले में जाकर फंस गया। बच्चे के परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के बच्चे के गले में फंसे सिक्के को निकाल दिया। डॉक्टर मनोज चौधरी को इस साल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित भी किया। सिक्का खा गए, हमसे मंगा के ले गए, वो दुकान जा रहे थे, सुबह से ने छक कर गया वो मुंह में दे लो। ये अभी एक बच्चा जिला अस्पताल में आया था जिसकी उम्र करीब 8 साल थी, और उसने कल शाम 4 बजे के आसपास एक सिक्का खा लिया था, और तब से उसको खाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और गले में दर्द हो रहा था। और बच्चा जब अभी आया तो हमने बिना किसी ऑपरेशन से एक नली के द्वारा बच्चे का सिक्का सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। एक प्रकार की फॉलीज कैथेटर की नली होती है, रबर ट्यूब ही होती है, जिसका मुख्य उपयोग पेशाब को निकालने में किया जाता है, परंतु इसके कई उपयोग और भी हैं, और इसमें से एक उपयोग इसका ये भी याद किया गया है कि गले में फंसी कोई भी वस्तु को इसकी सहायता से निकाल दिया जा सकता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।